पियर पियर फराक में इन्होंने भोजपुरी के हर लोगों को जुमाया है और मात्र एक महीने से कम इस गाने ने अपनी परचम भोजपुरी में जबरदस्त लहराई है। पहले स्वागत करते हैं भरवाल जी का, कैसे है? बढ़िया हूँ। आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा रितिका भरद्वाज जी, निकिता भरद्वाज जी, सॉरी एक बार फिर से सही करेक्शन कर दो। निकिता भरद्वाज जी ने भोजपुरी में आकर कह सकते हैं ऐसा काम किया है जो अभी तक फिलहाल किसी ने नहीं किया। आई गाना सुपरहिट हो गया, क्या कहना चाहूँगी? बस यही कहना चाहूँगी कि दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मेहनत है, हमारा सबका पूरे टीम का मेहनत है। सोचा था कि आएंगी, अच्छा जाएंगी, धूम मचाएंगी, लोग नहीं हुआ है। पहली बात तो ये कि सोचा हुआ कभी पूरा नहीं हुआ है और हमने सोचा नहीं था कि हमारा गाना इतना ज्यादा हिट हो जाएगा, लेकिन भगवान है, देख रहे हैं, वो तो आशीर्वाद बनाए हैं तो हुआ है। वो पहचान और अभी आपको हर जगह लोग पवन सर को सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक यू कहूंगी और सर बहुत ही अच्छा मुझे ऑफर किए गाना और मैं काम की उसमें, सर ने भी बहुत हेल्प की क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शूट की थी, मेरा सेकंड एल्बम था तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी मैं, लेकिन सर ने जहाँ मैं थोड़ा बहुत मतलब नर्वस हो जा रही थी तो सर ने तुरंत बोला कि नहीं बेटा सबसे होता है, आपसे भी हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप काम करते रहिए, आगे बढ़िए। बस शुरुआत कैसे हुई, मुलाकात कैसे हुई कि हाँ एक गाने में काम करें, क्योंकि पवन जी बहुत कम सिलेक्टेड काम करते हैं, लेकिन अगर आपके बात करो तो आपके लिए वो काफ़ी लकी भी रहे, गाना भी आपके लिए लकी रहा, इस सब की शुरुआत कैसे, मुलाकात कैसे हुई थी? मुझे मैं घर पे थी, बलिया में थी, गांव पे मेरी शादी थी बहन की बेटी की, तो मैं वहाँ थी, मुझे अचानक से कॉल आया कि निकिता शूट है, आओ पटना। मैं बोली कि किसका शूट है, तो वो लोग बोले डायरेक्ट कि पवन सर का है। मैं बोली कि बाक झूठ बोल रहे हैं आप लोग, हमको ऐसे मजाक मत कीजिए, तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं पवन सर का है। तो फिर ऋतिक जी हैं, उनसे बात हुई, पवन सर के भाई हैं ऋतिक जी, उनसे बात हुई, फिर वो बोले कि हाँ निकिता आपका शूट है, सोई हुई थी बेड पे से गिर के, सच बोलिए आप लोग, मुझे बुला के पटना झूठ झूठ में बना देंगे, तो बोलते नहीं नहीं सच में। फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ जाके मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं मिली, शूट पे ही मिली, उससे पहले कभी नहीं सर से मिली थी। अब एक सवाल जिसके लिए मैंने पहले पूछा था, अब भोजपुरी में जिस तरह से आप लोग आते हैं, काम मिलता है और जिस तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको कितना ये होता है कि हाँ मुझे कितना डेडिकेशन देना है अपने काम के प्रति, किस तरह से मुझे काम करना है, क्योंकि भोजपुरी में जब लोग आते हैं तो कुछ बड़ा सपना लेके आते हैं और हर किसी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो आप कितना अपने आप को एफर्ट देते हो कि हाँ मुझे किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से भोजपुरी में रहना चाहिए, भोजपुरी के लिए कितना सोचना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर लोग जितने भी आते हैं वो कुछ नया लेकर आते हैं, उनके अंदर काफ़ी काबिलियत होती है, आपने अपने लिए की? अभी तक मैंने उतना कुछ सोचा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ साफ सुथरा काम करूँ, दिल से काम करूँ और मेहनत करूँ, कि मुझे मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे वैसे गाने आते हैं, मैं उस टाइप के गाने नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल में, तो नहीं करूँगी, और मुझे यही रहेगा कि मैं हमेशा साफ सुथरा गाना करूँ और ऐसे ही मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद मिले। एक सवाल और, भोजपुरी में इतना बड़ा आपका गाना रहा लेकिन फिर भी आप रील्स में कहीं कहीं दिखती है, तो भोजपुरी के प्रति प्यार रहता है या फिर क्या रहता है? अरे भोजपुरी हमारी भाषा है तो हम उनसे प्यार नहीं करेंगे तो किनसे प्यार करेंगे। सबसे ज़्यादा पसंद भोजपुरी में किसे करते हैं? सबको पसंद करती हूँ, सारे जितने सर हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, सभी पसंद करती हूँ सबको, कोई एक ऐसा नहीं है कि किसी एक को पसंद करना। खेसारी लाल पवन जी कौन अच्छा लगता है? दोनों जन अच्छे लगते हैं। अगर खेसारी लाल जी के गाने में काम मिले तो करेंगी? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, सर बुलाएंगे तो ज़रूर करूँगी काम, हमारा काम है, हम आर्टिस्ट हैं, हमें सबका काम करना है। पवन जी के लिए स्पेशल मैसेज क्या रहेगा जिन्होंने आपको बहुत ही बिगेस्ट हिट सॉन्ग में काम करने का मौका दिया? सर के लिए बस यही रहेगा कि सर ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहिएगा और हमेशा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।